दोस्तों, अगर आप नया नया ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हो एंड आपके ब्लॉग में ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो आप डिमोटिवेट होंगे। एंड अगर सर्च से ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली डिमोटिवेशन होता है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं, मेरा एक ब्लॉग में मैं आज से लमसम 6 मंथ पहले स्टार्ट किया था एंड उसमें किस हद तक ट्रैफिक आ रहा है। एंड ओनली 27 पोस्ट अभी तक मैं किया, मगर उसमें कितना ट्रैफिक आ रहा है सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो चलिए सर्च कंसोल दिखा देता हूं। सो यहां पे देख सकते हो मैं सर्च कंसोल ऑन कर चुका हूं। ऑब्वियसली डोमेन को मैं नहीं दिखाने वाला हूं क्योंकि एक नीश बेस्ड साइट है। ट्रैफिक पहले आप लोग देख लो। यहाँ पे देख सकते हो 60 क्लिक्स आया है 28 डेज में, मतलब सितंबर में 60 क्लिक आया था सितंबर 25 तक। इसके बाद देखो फिर अक्टूबर में देखो 80 क्लिक्स आया है 28 डेज में। उसके बाद देखो अक्टूबर में 120, फिर से देखो यहाँ पे अक्टूबर एंडिंग तक देखो 250 क्लिक्स आया है, मतलब इतना क्लिक्स आ रहा था साइट पे। उसके बाद 23 नवंबर तक क्लिक्स बढ़ के 1K क्लिक्स आ गया था मेरे साइट पे। तो सितंबर से स्टार्ट हुआ ग्रोथ एंड नवंबर तक 1K क्लिक आ चुका था उस साइट पे। कितना पोस्ट है अभी तक मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। देख सकते हो टोटल पब्लिश पोस्ट 27 है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे दिसंबर में कितना क्लिक्स आया था। सो यहाँ पे मैं डेटा जो दिखा रहा हूं वो दिसंबर का है, 2023 दिसंबर में कितना क्लिक्स आया है। यहाँ पे देख सकते हो 31 दिसंबर तक 3K क्लिक आ चुका था उस साइट पे। उसके बाद फिर मैं डेटा जो दिखाने वाला हूँ अभी जनवरी में कितना क्लिक आ चुका है, देख लो 5K क्लिक्स आ चुका था उस साइट पे एज पर सर्च कंसोल। मैं सर्च कंसोल का बात कर रहा हूं जो कि सर्च से ट्रैफिक आया था। मैं कहीं से ट्रैफिक बाई करके इसमें सेंड नहीं किया था, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से आया था ट्रैफिक। अब देखो यहां पे सर्च कंसोल का डेटा दिखा देता हूं, एक बार रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये ट्रांसपेरेंट लगे। सो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ से ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ था, मतलब सितंबर से ही आना स्टार्ट हुआ था। तो इसको लास्ट 6 मंथ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था, मैं उतना ज्यादा स्टार्ट किया था अगस्त के आसपास, मुझे जितना याद है उसमें 1-2 पोस्ट ही किया था उस साइट पे। उसके बाद देखो मैं कुछ कुछ पोस्ट करते गया और यहाँ पे जब ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ, जो कि मेनली जो ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ था वो सितंबर से ही आना स्टार्ट हो चुका था। सो देख सकते हो सितंबर में ऐसा ट्रैफिक आ रहा था, उसके बाद अक्टूबर में थोड़ा इंक्रीज हुआ, उसके बाद देख सकते हो ट्रैफिक आना जैसे इंक्रीज हुआ है, इस तरीके से कुछ इस तरीके से इंक्रीज हुआ है। और दिसंबर में देख सकते हो अच्छा खासा ट्रैफिक मुझे मिला, और यहाँ पे देख सकते हो जनवरी में भी अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा है। टोटल इम्प्रेशन देखो 6,96,000 इम्प्रेशन आया है। टोटल क्लिक्स देखो 10.5K क्लिक्स आया है, एवरेज जो पोजिशन है 8 है। अगर अब प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके आर्टिकल लिखते हो तो उसमें सर्च से आपका ऑब्वियसली ट्रैफिक आएगा। तो अभी भी टाइम है, 2024 में भी अच्छा खासा आप सर्च से ट्रैफिक ला सकते हो, मगर शर्तें यही है न्यूज टाइप का ब्लॉग बिल्कुल मत बनाना। अगर आपके पास टीम नहीं है तो न्यूज टाइप का ब्लॉग मत बनाना। बड़ा बड़ा जो यूट्यूबर है के बोलता है कि न्यूज टाइप का वेबसाइट बना लो, मगर न्यूज टाइप का वेबसाइट में हर रोज कितना आर्टिकल पब्लिश होता है आपको पता नहीं होगा। और सिंगल पर्सन के लिए न्यूज टाइप का वेबसाइट मेंटेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो मेरा यही कहना है कि कोई एक नीश को पकड़ो एंड उस नीश पे आर्टिकल लिखो, तभी आपका ग्रोथ 2024 में मिलेगा, अदरवाइज आप भूल जाओ ब्लॉगिंग के। अगर आप सोच रहे हो कहीं से कॉपी पेस्ट करके आप अपना ब्लॉग को रैंक करा लोगे तो वो अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। सो कोई एक नीश पकड़ो, उसमें अपना नॉलेज बनाओ
एंड सीखो कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं, सीखने पे ज्यादा ध्यान दो। अगर आप ब्लॉगिंग नया स्टार्ट किया है तो फर्स्ट 6 मंथ आपको सीखना है इसको, प्रॉपर कैसे आर्टिकल लिखा जाता है, कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। अगर आप एक भी कीवर्ड अगर आपका ब्लॉग का रैंक कर गया सर्च में तो आपको अच्छा खासा ट्रैफिक दे के जाएगा वो। सो ऐसा कीवर्ड पे काम करो, शॉर्ट टर्म गोल मत बनाओ, लॉन्ग टर्म गोल बनाओ। सो कीवर्ड रिसर्च पे ध्यान आपको ज्यादा देना है। कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर करोगे तभी आपका आर्टिकल भी सर्च में रैंक करेगा। सो बेसिकली आपको कीवर्ड प्रॉपर रिसर्च करना है, उसके बाद ही आर्टिकल लिखना है। रेगुलर एक ही आर्टिकल लिखो मगर सर्चेबल टॉपिक पे आर्टिकल लिखो। अभी के लिए मैं मल्टी नीश को कभी रिकमेंड नहीं करूंगा 2024 में। अगर आपको सर्च से ट्रैफिक लाना है तो सिंगल नीच पे काम करो एंड उस पे ही अपना ब्लॉग को रैंक कराओ एंड इजीली रैंक हो जाएगा एंड एडसेंस अप्रूवल में भी आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एडसेंस अप्रूवल रिलेटेड एक गाइडलाइन लाऊंगा, उसमें आप लोगों को गाइड करूंगा कि कैसे आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है। उस वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा एडसेंस अप्रूवल लेना उतना भी मुश्किल नहीं है। सो आई होप के इस वीडियो से आप लोगों को मोटिवेशन मिला है कि 2024 में भी सर्च से ट्रैफिक आप अपना ब्लॉग में ला सकते हो। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।